जिसने कहा था इस देश को बिकने नहीं दूंगा, उसने इस देश को बेचते बेचते अपने अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। एक बात तो इस देश के लोगों को भी सबक सीखना होगा, आप चुप भी रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। न्याय प्रक्रिया के ऊपर, संविधान के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारे चूल्हे के ऊपर बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले आप सबका इस्तकबाल है कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें हम जैसे लोगों को भी शामिल होकर के शायद एक मौका दिया है कि हम भी अकेले में जब बैठ कर के सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि चलिए कुछ लोग थे जो बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे थे और इस तरह के कार्यक्रम कर रहे थे, उन्होंने हमें भी बुला करके ये मौका दिया कि कल को ये सवाल पूछा जाए कि जब ये सब आपके सामने हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। कम से कम मैं इतना कह सकूंगा कि जो लोग लड़ रहे थे हम उनके साथ खड़े थे। तो बहुत शुक्रिया और आप सबके इस जज्बे को सलाम। और दूसरा, ये ऐसी जगह है विश्वविद्यालय की जो कई बार मुझे लगता है कि जो एक विश्वविद्यालय होने के मायने हैं वो कक्षाओं या लाइब्रेरी के बाहर अगर कहीं बचते हैं तो वो ऐसे ही जगह हैं जहां पर खड़े होकर, वो मनुष्यता विरोधी है, उसके लिए भी जो जिम्मेदारी बतौर शिक्षक बतौर छात्र एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों की होनी चाहिए उसे भी निभाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट करूंगा। क्योंकि सच बात यह है कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं ऐसी जगहें भी अब खत्म की जा रही हैं। लगातार ऐसी जगहें बुलडोजर तो अभी चल रहा है कस्तूरबा नगर और ऐसे तमाम जगहों पर और वो दिख रहा है, लेकिन एक बुलडोजर हमारी जहनियत पर भी चल रहा है कि आप ये न सोचें और जहां खड़े होकर जिन लोगों से मिलकर आप कुछ ऐसा सोचते हैं हम उन जगहों को भी खत्म कर देंगे। आप जब भी इस तरह के किसी सवाल पर एकजुट होते हैं, इंकलाबी नारे लगाते हैं, तो आप अपने समय में सब जो एक दिशा में चल रहे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो एक जैसा सब कुछ बना देना चाहते हैं, आप उसके सामने जब थोड़े से लोग भी खड़े होते हैं तो जाने कितने लोगों के लिए हिम्मत मिलती है कि सब लोग झुक नहीं गए, सब लोग बिक नहीं गए, सब लोग डर नहीं गए हैं, थोड़े से लोग हैं जो गलत को गलत कह रहे हैं और सही के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर या ऐसे हर लड़ाई में शामिल होकर भले बाकी कुछ हो पाऊं ना हो पाऊं, एक नागरिक होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता हुआ महसूस करता हूं। क्योंकि मेरे नागरिक होने का फर्ज मेरे विद्यार्थी या शिक्षक होने से पहले है, क्योंकि हमारे जैसे जाने कितने लोग जिन्हें प्रोफेसर होना चाहिए था, जिन्हें आप जैसे तमाम लोग जिन्हें छात्र होना चाहिए था, वो तो वहां नहीं किए गए, वो सब ठेके पर रख दिए गए हैं, वो सब बेचे जा रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं किसानी कर रहे हैं, और जिन्हें जान नहीं होना चाहिए था वो वहां पर बैठे हुए बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ऐसा हुक्म दे रहे हैं कि इस देश में अब कोई सुरक्षित न बचे। और वो हुक्म ऐसा है जिसमें साफ दिखता है कि वो कोई न्याय का पक्ष नहीं ले रहा। अभी दिल्ली में भी ये हो रहा है, पिछले दिनों जहांगीरपुरी में हुआ था, वहां भी कुछ लोग बुलडोजर के सामने खड़े हुए थे। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुआ और अभी भी हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जहां से मैं आता हूं वहां अब ये हो रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो खबरों में भी नहीं आ रहा है।
बहुत जगहों पर ऐसे घर गिरा दिए जा रहे हैं, ऐसे लोग झूठे मुकदमे में फंसा दिए जा रहे हैं, जिन पर शायद कोई मीडिया अटेंशन या आप जैसे सजग लोग जो हैं, जो एक लड़ाई कम से कम लड़ रहे हैं, वहां तो कोई बोलने वाला नहीं। और जो लड़ाई लड़ रहा था, आपको याद होगा सिद्दीक कप्पन पत्रकार, और पत्रकार होकर के सिद्दीक कप्पन को यह साबित ही नहीं करने दिया गया कि उसका जुर्म क्या था। वो हाथरस जा रहा था अपनी रिपोर्टिंग करने, उसे ही साजिशकर्ता बना दिया गया। और आज भी तमाम लोग इसी विश्वविद्यालय में इसी जगहों पर खड़े होकर के, हमने जब तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाइयां लड़ी तो जो प्रोफेसर हमारे साथ खड़े थे वो 2 साल हो गया आज जेल में है, प्रोफेसर हैनी बाबू, हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। प्रोफेसर साई बाबा उन्हें नहीं बचा पा रहे। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, उमर खालिद, खालिद साहब भी जाने कितने लोग आज भी जेल में, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा। और ये एक नया फरमान कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम गिरा देंगे इन इमारतों को जिनका जिन्होंने कुछ बनाया नहीं है इस देश में। अगर इलीगल पूछा जाए तो इस देश में क्या क्या इलीगल है, जैसे तिरंगे का विरोध करने वाले लोग हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा कर दिए, जैसे जंगे आजादी का विरोध करने वाले राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे, वैसे अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सी चीज लीगल है कौन सी चीज इलीगल है। इसी देश में जितनी जगहें हैं उसमें कितने घरों के नक्शे पास होते हैं, कितने घरों के लोग जो 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 घर बनते हैं, खेती की जमीन पर कितना दिल्ली बसी हुई है सबको पता है, जहां दिल्ली को नहीं बसना चाहिए था वहां दिल्ली बसी हुई है। एक टावर तोड़ करके इस देश में दिखाया गया कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया। अरे आप इस देश में किसी भी रोड पर निकल आओ, ये विश्वविद्यालय है ना, इसके चारों तरफ जितने सड़कें हैं उन सब सड़कों में 60-70% सड़कें पूरे दिन कब्जा किए हुए लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की 60% पार्किंग ऐसी जगह है जो इलीगल है। क्या क्या तोड़ेंगे आप? गरीब कमजोर का घर टूटेगा, जो सबसे कमजोर है जो सबसे निशाने पर है उसका घर टूटेगा। तो ये जो बुलडोजर है न्यायपालिका, सोचिए ना पूरा लोकतांत्रिक संस्थान ध्वस्त होते जा रहा है। हमने शुरुआत ही मैंने अपने बातचीत की यही की कि जिस जगह हम खड़े हैं ये भी ध्वस्त हो रहा है और बुलडोजर इस पे भी चल रहा है, बस दिख नहीं रहा है। कहीं वो एनएफएस का बुलडोजर है, कहीं वो फीस बढ़ा देने का बुलडोजर है, कहीं वो परमानेंट अपॉइंटमेंट ना करने का बुलडोजर है, और कहीं इस पूरे विश्वविद्यालय को निजी हाथों बेच करके, जिसने कहा था इस देश को बिकने नहीं दूंगा उसने इस देश को बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। ये गैप है भारत में और इंडिया में। हम जो भारत के लोग, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो खतरे में। और इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में आकर के बहुत ज्यादा बोलने की बजाय, शायद जब मैं बोलता हूं ये सब बातें तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी और के लिए बोल रहा हूं, मुझे केवल ये महसूस होता है कि शायद मैं ये अपने लिए बोल रहा हूं कि हमारी हिम्मत न टूटे, हमारा हौसला न टूटे। जाने कितने मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपनी फीस किताब कॉपी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है, अपने साझा शहादत से मिले साझा विरासत को बचानी है, गरीब कमजोर मजलूम को बचाना है। आप कितने मोर्चों पर लड़ पाएंगे? लेकिन फिर भी मैं सल्यूट कर रहा हूं लड़ने वाले तमाम छात्र संगठनों को जिन्होंने एक साझा मंच बनाकर इस पूरे विश्वविद्यालय परिसर को इसके निर्जीव होने से बचाया है, इसे सजीव बनाए रखा है। इसलिए जो लोग देखिए, लड़ाई बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई भारत के संविधान और उसके बाद सबका भारत बनाने वाले लोगों और विचारों के सामने उनसे लड़ाई है जो शुरू से संविधान विरोधी रहे हैं, जिन्होंने संविधान को अब कभी कबूल नहीं किया। आप इलीगल क्या भारत के संविधान की प्रतियां जलाना दिल्ली में इलीगल नहीं है? क्या नया संविधान भगवा संविधान बना करके इस देश को हिंदू राष्ट्र करने के लिए रोज भाषण देना इलीगल नहीं है?
कौन जेल में है उसके लिए, और जो अपने घर बचाने की लड़ाई लड़े, जो शिक्षा जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़े, जो अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़े, वो सारे इलीगल है। और ये घर वाले बेचारे तो घर कुछ लड़ाई भी शायद नहीं लड़ रहे, और कुछ नहीं लड़ रहे वो भी मारे जा रहे। एक बात तो इस देश के लोगों को भी सबक सीखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप लड़ेंगे तो ही मारे जाएंगे, आप चुप भी रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। बस हो सकता है आपका नंबर बाद में आए, जो पहले मुसलमान निशाने पर पहले है, दलित पहले निशाने पर है, आदिवासी निशाने पर पहले, छात्र नौजवान निशाने पर पहले, हो सकता है आपका नंबर थोड़े दिन बाद आए क्योंकि आपकी जेब में बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा था, तो आप बुलबुल पर उड़ करके पूरा भारत घूमने का ख्वाब देख रहे थे, आप चीता आ गया भारत में तो शेर खुश हो गया, ये सब सोच रहे थे। लेकिन आपको हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ये पता चले कि आपका भी क्या क्या लुट गया। इसलिए मैं इस लड़ाई में साथ हूं, और ये आखिरी बात कहकर के अपनी बात विराम लूंगा कि लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा किसकी? उन्होंने जिनके जहन में कभी संविधान नहीं था, भारत का साझा हिंदुस्तान जो भारत है वो नहीं था, गरीब कमजोर मजलूम नहीं थे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा, दंगे करवा के दंगाइयों को बरी किया जाएगा, कहां है इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो पूरा का पूरा लीगल सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया है, और बलात्कारी लोग बाहर निकाल के माला पहनाए जा रहे हैं, कहां है भाई आपका संविधान बचा हुआ? और हम उम्मीद किससे करें, मैं ये नहीं समझ आ रहा। हमारा वकील, हम जब अपने वकील को जब हम गृह मंत्री बन जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवा दे कोलिजियम सिस्टम से, और उसके बाद वो बनते ही ढाई महीने के भीतर पहले ही कह दे गुजरात दंगे में सब बरी हैं, कोई दोषी नहीं है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सा सिस्टम बचा हुआ है? ये सवाल भी कभी कभी मन में आता है। लेकिन केवल आखिरी बात, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, और विचारधारा जो गरीब कमजोर मजलूम वंचित शोषित जो कमेरा लोग हैं इस मुल्क के 90%, ये एक तरफ है, और इस देश के थोड़े से लोग जो जो जाति से श्रेष्ठ है, जो वर्ग से श्रेष्ठ है, जो तमाम थोड़े से लोग सत्ता में भागीदार हैं, और जो लोग संविधान के ऊपर बुलडोजर को चलता हुआ चुपचाप देख रहे हैं, न्याय प्रक्रिया के ऊपर, संविधान के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारे चूल्हे के ऊपर बुलडोजर जो चल रहा है उसको भी जो चुपचाप देख रहा है, ये उनसे लड़ाई है। ये लड़ाई हबीब जालिब ने बहुत पहले लिखा, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, कि अपने हिरस के बंदे हो बेजमीर हो तुम। तो ये बेजमीर लोगों से, जमीन वालों का, जमीन वालों का छीन रहे उनसे जो बुलडोजर के सामने खड़े हैं, उनकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई को मैं सलाम करता हूँ, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग उस बुलडोजर के सामने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।